गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वो है डोबे रेनर्स ट्रायड रूल। ट्रायड का मतलब जैसे मैंने बताया था कि थ्री, और उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्टेव का मतलब होगा एट। तो यहाँ पर जो सेट बनाए गए थे वो एट एट एलिमेंट्स को लेकर बनाए गए थे। अब किस तरीके से उन्होंने आगे एट एलिमेंट्स का सेट किया वो तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर है वो सीखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर रूल को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि भाई ये रूल किसने दिया था, ऑक्टेव रूल दिया था न्यूलैंड ने, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिसके बारे में बताया था उसी को ऑनर देने के लिए उसका नाम है वो रख दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, दिस ऑक्टेव रूल वॉज गिवन बाई न्यूलैंड। तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो उसने यहाँ पर जो दिस आप लिख सकते हो, दिस रूल वॉज गिवन बाई न्यूलैंड। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये लिख दिया, और फिर सेकंड पॉइंट में आप क्या बता सकते हो, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो अकॉर्डिंग टू their increasing order of atomic mass के increasing order में उसने है वो arrange किया। तो second point में हमने ये बताया कि भी उसने क्या किया, यहाँ पर horizontal row इस तरीके से, जो सीधी जो रो है वर्टिकल इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वहाँ पर उनको अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, मतलब जैसे वन आ रहा है फिर टू आ रहा है फिर इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास के उनको एलिमेंट्स को उसने है अरेंज किया। अब उसने इसको कंपेयर किससे किया, जैसे ऑक्टेव, जैसे मैंने कहा था ना एट एलिमेंट्स के उसने सेट बनाए, तो एट एलिमेंट्स के सेट बनाने का जो आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया, तो उन्होंने जो एट एलिमेंट्स के जो सेट बनाए तो उसके लिए आइडिया उनको इस तरीके से आया कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो म्यूजिकल नोट्स जैसे आप लोगों को पता होगा सारे गा मा पा धा नी सा। तो अगर यहाँ पर हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो फर्स्ट और एट जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नोट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से उनके दिमाग में आइडिया आया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट और एट्थ, हर फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर है वो सिमिलरिटी क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट हो गया कि भाई उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर एट एट एलिमेंट्स का जो यहाँ पर सोचा कि भाई फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सिमिलरिटी है वो शो करेंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो ये आइडिया उनको कहाँ से आया, म्यूजिकल नोट से है वो आया। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ही कंपेयर्ड हिज क्लासिफिकेशन विथ म्यूजिकल नोट्स। अब वो म्यूजिकल नोट्स क्या है वो मैंने अभी बताया आपको, सारेगामापधनिसा। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे फर्स्ट और एट्थ यहाँ पर जो नोड है वो सेम आ रहा है, उसी तरीके से फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट भी क्या है, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है वो शो करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट। और इसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के अंदर कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी जो सेम है, उसी तरीके से फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइकवाइज इन म्यूजिकल नोट्स हियर ऑल्सो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट विल हैव सेम सिमिलर
प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट और एट एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम है वो होगी। तो ये उनको आइडिया कहाँ से आया, म्यूजिकल नोड से आया। तो म्यूजिकल नोड है वो एट है वो होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने इस पर्टिकुलर इसको एग्जीक्यूट किया आइडिया को एलिमेंट्स के ऊपर। उन्होंने देखा कि जब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट और एट्थ जो यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। अब उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग उन्होंने करी हाइड्रोजन से, और ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ही क्लासिफाइड, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स अप टू थोरियम। थोरियम तक उन्होंने क्या है क्लासिफिकेशन है वो अपना दिया था, और जिसका एटॉमिक नंबर होगा वहाँ पर 56। तो यहाँ तक उन्होंने है वो दिया था अपना क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक एक पॉइंट और हो गया। अब हम देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से उसने अरेंज किया था हाइड्रोजन। अब हीलियम हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हीलियम जो गैसेस थी उस समय तक, क्योंकि नोबल गैसेस हैं, इनएक्टिव हैं, किसी से रिएक्ट है वो करती नहीं है, तो इस वजह से उनकी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चला था। तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जस्ट बाद में आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर वापस जो जो फ्लोरीन है, अब यहाँ पर फ्लोरीन है वो इधर आएगा। अब देखो चाहे फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एट एलिमेंट है वो फर्स्ट के कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से फ्लोरीन इधर आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, नियॉन वापस नहीं आएगा क्योंकि पता ही नहीं था उस बारे में, फिर बाद में सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और फिर आगे यहाँ पर क्लोरीन, उसके बाद में फिर वापस जो आर्गन है उसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में आ जाएगा पोटेशियम, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम। तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक है वो सेट है वो पता होना चाहिए विथ लॉजिक कि भाई यहाँ पर नोबल गैसेस हैं वो हमको स्किप करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस के बारे में अभी तक, मतलब उस समय तक पता है वो नहीं था। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम तक मैंने यहाँ पर लिखा है उससे आगे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने आगे जो पूरी सीरीज बनाई थी तो उसमें काफ़ी जगह ऐसे हो रहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिसमैच हो रही थी, कुछ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, फिर भी उसी पर्टिकुलर यहाँ पर ग्रुप के अंदर वो आ रहा था वहाँ पर। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की फ्लोरिन से मैच कर रही है, फ्लोरिन से क्लोरिन से मैच कर रही है, तो यहाँ पर तो चलो प्रॉपर्टीज़, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, यहाँ पर ये मेटल मेटल मेटल, और इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैच करेगी सबके लिए, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वन ही रहेगा, यहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टू रहेगा। पर कैल्शियम के बाद में जितने भी जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने किया था तो वो पूरा एकदम फिट है, वो नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से इसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर इतना जो हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल नहीं था, इतना जो वैल्यूएबल नहीं था, इतना यूजफुल है वो नहीं था, क्योंकि उसमें खूब सारे वहाँ पर ड्रॉबैक्स प्रेजेंट थे। तो अभी जो पॉइंट्स के अंदर हमने यहाँ पर 6 पॉइंट है वो पढ़े हैं यहाँ पर, तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी। तो ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया न्यूलैंड का। अब इसकी जो जो भी क्लासिफिकेशन उसने बताया, तो इनसे कुछ तो हमको बेनिफिट है वो मिला है, कुछ हमको मेरिट्स है वो जो मिले हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि जो हमको जो क्या क्या इसके यूजफुल जो बेनिफिट्स मिले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर मेरिट्स, कि यहाँ पर क्या मेरिट थे। अब नेक्स्ट हमने ले लिया मैरिट्स, तो यहाँ पर मैरिट्स के अंदर हम क्या क्या बता सकते हैं कि उसने किस तरीके से अरेंज किया था। तो न्यूलैंड है, न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, विच रिलेट्स एटॉमिक मास
एंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसने जो अरेंजमेंट किया था उसकी वजह से पता क्या चल रहा था कि एटॉमिक मास और जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आ रही थी, मैच है वो हो रही थी फर्स्ट और एट्थ की, तो इससे हमें पता चल गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इट इंडिकेट्स पैरोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है वो सिमिलरिटी है वो शो कर रहे थे, तो यहाँ पर पैरोडिसिटी मतलब रिपीटेशन है वो तरीके से हो रहा था इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो ये सेकेंड यहाँ पर उसका मेरिट हो गया और वीकेंड से बेनिफिट हो गया क्लासिफिकेशन का। और थर्ड और लास्ट जो है यहाँ पर, इट वर्क्ड वेल ओनली अप टू कैल्शियम, कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास 40 है वहीं तक है ये वैलिड है वो था, उसके बाद में है बहुत सारे वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ जो जो एक तरीके के जो ग्रुप में वो आ रहे थे तो मिसमैच है वो बहुत हो रहा था, प्रॉपर्टीज अगर मतलब जिनसे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल मैच नहीं करी थी फिर भी उसी को उसी ग्रुप में रखा गया वहाँ पर, तो ये बाद में है इस तरीके से प्रॉब्लम्स है वो आने लगी 20 तक, तो ये बिल्कुल सही था, उसके बाद में है ये प्रॉब्लम्स है वो आ रही थी। तो कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है उसको बाद में क्या है कि उसमें खूब सारे ड्रॉबैक्स हैं वो दिखे, तो इसकी वजह से इसको वहाँ पर रिजेक्ट है वो कर दिया। तो यहाँ तो अभी तो हमने पढ़े मेरिट्स क्या क्या थे, अब हम देख लेते हैं कि वहाँ पर डी मेरिट्स हैं वो क्या क्या देखने को मिले। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, तो एक पॉइंट आप इसके अंदर यही बता सकते हो कि भाई आफ्टर जो कैल्शियम है वहाँ पर बहुत सारे मिसमैचेस है वो हमको देखने को मिले यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर, तो डी मेरिट्स के अंदर हम बता सकते हैं आफ्टर कैल्शियम देयर वाज मिसमैच इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट्स, मतलब 20 के बाद में वहाँ पर जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल है वो मैच ही नहीं कर रही थी। एक चीज़ और वहाँ पर देखने को मिली, कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि इनके एटॉमिक मास है वो 58, एक का है 58.9 है इसका 58.6 है, तो उन दोनों को क्या कर रहा है उसने एक ही स्लॉट में रख दिया, वर प्लेस्ड इन्हें सेम स्लॉट, उसको एक ही स्लॉट में है वो रख दिया। इसी तरीके से जो लैंथेनम सीरियम है उनको भी एक ही स्लॉट में रख दिया, तो इसका रीज़न है उसके पास में कुछ था ही नहीं, जबकि प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी बहुत तो अलग होंगी यहाँ पर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर फिर भी उनको एक साथ रख दिया, तो इसका रीज़न है उसके पास में था ही नहीं कि भी इनको एक साथ है वो क्यों रखा गया। इसके अलावा उसने क्या सोचा था कि जो नेचर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 56 ही हैं, अब इसके बाद में कोई यहाँ पर जो फर्दर हम कहें कि भाई एक कोई भी जो नई डिस्कवरी है वो एलिमेंट्स की है वो नहीं होगी ऐसा उसने मान लिया था, पर बाद में धीरे धीरे काफ़ी सारे एलिमेंट्स के हैं वो डिस्कवरी होती गई, तो उसने जो सोचा था वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि भाई अब तो कोई एलिमेंट नया आएगा ही नहीं, ये भी बिल्कुल गलत था। तो उसने ही क्लासिफाइड ओनली 56 एलिमेंट्स, वो 56 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई करके मान लिया उसने कि अब कोई नया एलिमेंट है उसकी खोज ही नहीं होगी, कोई नया एलिमेंट आने वाला भी नहीं है, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भाई अब कुछ नया, जो कि क्योंकि बाद में तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी खोज उसी जैसे क्लासिफिकेशन हुआ उसके बाद में भी खूब सारे एलिमेंट्स की है वो डिस्कवरी होती चली गई, तो यहाँ पर इन रीजंस की वजह से क्या हुआ कि फिर लेटर ऑन इस पर्टिकुलर जो रूल है या प्रिंसिपल है इसको वहाँ पर रिजेक्ट है वो कर दिया गया। तो ये था छोटा सा क्लासिफिकेशन किसका, न्यूलैंड का, जिसमें सिर्फ आपको ऑक्टेव मतलब एट
जो एलिमेंट्स हैं वो जो मैंने कहा कि भाई वहाँ पर जो एट एट से आपको रिलेट करके इसको चलना है, तो फर्स्ट और एट एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर सिमिलरिटी है वो शो करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब इसको दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, तो म्यूजिकल नोट से आया, सारे गामा पधा नी सा वाले से, सा और सा फर्स्ट और एट सेम आ रहे हैं, तो इसी तरीके से उसने ये आइडिया यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, पर हुआ, पर वो 20 तक ही वहाँ पर एप्लीकेबल था, और उससे आगे है वो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ और जो मतलब एटॉमिक मास उसमें काफ़ी सारा जो मिसमैच है वो देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से लेटर ऑन इस पर्टिकुलर जो एक तरीके से क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट है वो कर दिया। अब इसे नेक्स्ट जो वीडियो में जो पोस्ट करूँगी उसमें फिर हम फर्दर जो मेंडलीव वगैरह ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप आज इसको लिखिए, समझिए, और जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश की है, वो भी पॉइंट्स के अंदर, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स में है इसको नोट डाउन करना है, वैसे ही आपको लिखना है। थैंक यू।